गुंजन, आ तो माल काफी बिक गया। हाँ जी भैया, आज ना सेल बहुत अच्छी हुई है। चलो अच्छी बात है, इसमें तो पैसे नहीं है। वो भैया आपका ना बेटा आया था लकी, तो वो सारे पैसे लेके चला गया। चलो कोई बात नहीं। पापा मुझे ना 10,000 रुपये चाहिए थे। 10,000 रुपये चाहिए? अरे सवेरे तो 5,000 रुपये ले गए हैं। तो पापा आप क्या हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा क्या? हो गए खर्च मेरे से। अच्छा आप 10,000 रुपये किस लिए चाहिए? पापा मेरे को ना शिमला जाना है दोस्तों के साथ, सारे दोस्त जा रहे हैं। अच्छा तुझे क्या लगता है पैसा पेड़ पे लगता है? तू आएगा मांगेगा मैं तुझे झाड़ के दे दूंगा? अरे तेरा दिल करता है गले में से पैसे उठा के ले जाता है। पैसा कमाना पता तुझे कितना मुश्किल है? पापा कहाँ मुश्किल है, यहाँ आके दुकान पे बैठ जाओ बस आ गया पैसा। अच्छा यहाँ आके बैठ जाओ और आगे पैसे? ऐसा कर तू दुकान में आ, 1,000 रुपये की सेल करके दिखा तू, जितने तू पैसे कहेगा ना उतने तुझे दूंगा। 1,000 रुपये? मैं 1,000 से ज्यादा की करके दिखाऊंगा। अच्छा ज्यादा कमा के दिखा कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ना तो गुंजन की मदद लेनी ना मेरी मदद लेनी है। ठीक है पापा, ये मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं यूं कर दूंगा। ठीक है आज अंदर आ गया। गुंजन कोई ग्राहक आना इसकी मदद नहीं करनी है, ठीक है? अपना आप बेचेगा ये। ठीक है भैया, देखते हैं 1,000 रुपये का बेचता नहीं बेचता। भैया क्रीम बना। क्या भैया? क्रीम। क्रीम भैया ये देखो, ये बहुत बढ़िया क्रीम है भाई। ये फेस वॉश है, ये जेंट्स क्रीम चाहिए। ये क्रीम है स्ट्रॉबेरी वाली भाई, ये लिखा हुआ देखना फेस वॉश है। क्रीम टुकड़ा मुझे भाई, जेंट्स क्रीम निकालना है। ये लो भैया। भाई ये लेडीज है, लेडीज क्रीम, जेंट्स क्रीम चाहिए मुझे। भैया ये लेडीज जेंट्स दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं? कॉल लिखा हुआ इसमें दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे सिर्फ जेंट्स क्रीम चाहिए, वो तो देते रहेंगे भाई। यही है हमारे पास, लेनी हो ले वरना निकल। तेरे पास है ना तो क्यों मुझे दे रहा है, पागल बना रहा खामा खा मेरा, पता नहीं कहां से भर्ती हो जाते दुकान में आ गया। भैया चूड़ी मिल जाएगी? हाँ जी भैया मिल जाएगी। भाई 2-4 साइज की चूड़ी दिखा दे। चूड़ी चाहिए? हाँ। ये लो भैया। भाई क्या दिखा रहा है, कड़े हैं ये, चूड़ी मांगी इधर से। नहीं भैया कड़ों के अंदर ही यहाँ पर चूड़ी भी होगी, चूड़ी है तो ये। भाई तूने मेरे को पागल समझाया क्या, कड़े और चूड़ी में फर्क नहीं पता तेरे को क्या होता है? ऐसी तो होती है गोल गोल चूड़ी। भाई मुझे नहीं लगता कि तेरे को चूड़ी का पता है कि चूड़ी कैसी होती है, है तो दे वरना मना कर दे। भाई ये है तो भाई यही होती है। भाई तू इसको अपने पास ही रख। हाँ पास आ जाते हैं। वो भैया
गर्मी से जिके लिए बॉडी लोशन देना। बॉडी लोशन भैया, बॉडी लोशन तो है नहीं हमारे पास। नहीं, चलो कोई बात नहीं। इतने सारे क्या लगे हुए? बॉडी लोशन नहीं है वो? पापा मैंने ध्यान नहीं दिया, वो पीछे रखा हुआ था। ध्यान कहाँ से दोगे? तुम्हें दुकानदारी के बारे में कुछ मालूम हो तो पता चले ना। तुम तो कह रहे ना पैसा कमाना बहुत आसान है। कितने कमा लिए तुमने अभी तक? पापा सुबह से लेके शाम हो गई है, 5 बज गए हैं, लेकिन अभी तक मैंने 1 रुपए की भी सेल नहीं करी। अच्छा, तुम तो कह रहे पैसा कमाना बहुत आसान है, मैं 1 मिनट में कमा लूंगा 1,000 रुपए। नहीं पापा, पैसा कमाना आसान नहीं है। अब पता चला ना पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है। हम दिन में एक एक चीज बेचकर थोड़े थोड़े पैसे बचा कर ना जमा करते हैं, और तुम आके गले में से निकाल के ले जाते हो या कहीं घूमने चले जाते हो दोस्तों के साथ और खत्म कर देते हो। मालूम तुम्हें पैसा कैसे कमाया गया? जी पापा। तुम्हारी बात नहीं है, हर बच्चा यही सोचता है कि माँ बाप के पास पैसा बहुत है, उड़ा लो बस जैसे मर्जी खर्च कर लो। मना करते तो ऐसा लगता है माँ बाप दे नहीं रहे जानबूझ के। चलो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? नहीं पापा, मेरे को कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। क्या हुआ? अब मैं आपके साथ यहीं पे काम करूंगा दुकान पे, और पैसे जितने हो सकेंगे मैं बचाने की कोशिश करूंगा। मैं कहता हूँ खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमाओ उसके बाद खर्च करो तुम्हें, ताकि पता चले कि हमने है ना कितनी मुश्किल से पैसा कमाया। अपने पैसे की अहमियत को समझोगे तुम। चलो ठीक है। आई एम सॉरी पापा। ठीक है।